हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट, जो इससे पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में डाला है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो वो पूरा नहीं हो पाया था, अधूरा ही रह गया था। तो आज मैं उस टॉपिक को पूरा कवर करूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप IPM पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट आपको जानना जरूरी हो जाता है। अभी कुछ दिनों से मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अब मैं वीडियो कंटिन्यू रखूंगी। इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ सबको, क्योंकि मेरे वीडियो कंटिन्यू नहीं आए थे। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप मतलब वीडियो रेगुलर रखिए। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले मैकेनिज्म, इससे पहले जो जिन्होंने भी मेरा ये भी होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट का प्रीवियसली वीडियो नहीं देखा होगा, वो मतलब आप लोग जाइए और मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट के ऊपर। तो आप उसे देखेंगे, देन इससे फिर देखने आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंट मतलब कि प्रतिरोधकता है, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब रेजिस्टेंट यही होता है। तो क्या मतलब मैकेनिज्म क्या है, कैसे मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, मतलब कैसे उसके अंदर वो रेजिस्टेंट आया है कि वो उसका कोई मतलब किसी मान लो कोई इंसेक्ट है या कोई भी होस्ट है, उसका उस इंसेक्ट अगर डैमेज कर रहा है होस्ट को, तो होस्ट के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, होस्ट की मतलब जो भी लाइफ साइकिल है या जो भी उसकी क्वालिटी है उसको कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहते हैं, तो सबसे पहले मैकेनिज्म है एंटीजिनोसिस, देन एंटीबायोसिस है, एंड थर्ड इज द टॉलरेंस, ठीक है। तीन मैकेनिज्म होता है, एक होता है एंटीजिनोसिस, सेकेंड इज द एंटीबायोसिस, एंड थर्ड इज द टॉलरेंस। आपको ये तीनों वर्ड याद रखने बहुत जरूरी है। देन थ्री फोल्ड बेसिस रेजिस्टेंट बेस्ड इंसेक्ट प्लांट इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू द पेंटर, किसने दिया था ये जो था तीन जो फोल्ड्स हैं रेजिस्टेंट के, और ये किसके बेस्ड पे दिए हैं, इंसेक्ट और प्लांट का जो इंटरेक्शन हो रहा है उनके आपसी जो संबंध है, ठीक है, जो आपसी उनमें क्रियाएं हो रही है, इंटरेक्शन जो हो रहा है उसके बेसिस पे पेंटर ने दिया था 1951 में दिया था। तो देखिए ये तीनों एक साइकिल के रूप में है, एंटीबायोसिस, एंटीजिनोसिस एंड टॉलरेंस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट, और इस साइड आप देख रहे हैं कि एक साइड आपको दिख रहा है मतलब कि प्लांट लिखा है, और दूसरी साइड आपको दिख रहा है कि इंसेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला एंटीजिनोसिस जो है प्लांट रिएक्शन, सॉरी पेस्ट का रिएक्शन है, ये पेस्ट से रिएक्शन आ रहा है एंटीजिनोसिस, ठीक है। एंड एंटीबायोसिस ये प्लांट का रिएक्शन आ रहा है, इधर जा रहा है, क्योंकि देखिए एरो किधर जा रहा है, प्लांट से इंसेक्ट की ओर जा रहा है, तो ये प्लांट का रिएक्शन है। एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है ये दोनों का रिएक्शन आ रहा है, जो दोनों का रिएक्शन आ रहा है तो एरो दोनों साइड से आ रहा है, आप ये देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंटीजिनोसिस की जब बात आएगी तो हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये पेस्ट का रिएक्शन है, एंड एंटीबायोसिस इट इज द रिएक्शन ऑफ प्लांट, एंड टॉलरेंस इट इज द रिएक्शन ऑफ द बोथ। देन हम पहले देखते हैं एंटीजिनोसिस, तो एंटीजिनोसिस मतलब होता है नॉन एक्सेप्टेंस, इट मीन्स जीनो मतलब होता है गेस्ट, ठीक है, गेस्ट रहता है, जीनो का मतलब क्या है, गेस्ट। द टाइप ऑफ रेजिस्टेंट वेयर इंसेक्ट विल नॉट एक्सेप्ट फॉर फीडिंग एंड ब्रीडिंग इवन इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स, मीन्स यहाँ पर ऐसा है कि ये गेस्ट मतलब होता है कि मेहमान, ठीक है, तो इंसेक्ट जो रहेगा वो आएगा तो ज़रूर प्लांट के ऊपर, ठीक है, जो उसका होस्ट है कोई भी क्रॉप है उसके ऊपर आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, जस्ट लाइक दैट। बट वो मतलब उसके पास अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, मतलब उसके पास और कोई सोर्स नहीं है ब्रीडिंग करने का, या मतलब अपना मल्टीप्लिकेशन करने का, और मतलब अपने फूड मटेरियल को कंजप्शन करने का, मतलब फीडिंग करने का और कोई सोर्सेज नहीं है, फिर भी वो जिस प्लांट पर गया है उसे फीड नहीं करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंट है, इस टाइप का रेजिस्टेंट है कि उसके पास अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होने के बावजूद भी वो उस प्लांट को डैमेज नहीं कर पा रहा है, तो ये जीनोसिस में आएगा, एंटीजिनोसिस में आएगा, ठीक है। इट जस्ट वर्क लाइक एज अ मतलब गेस्ट, इसलिए इसको जीनोसिस जो वर्ड है ये गेस्ट से ही आया है। देन होस्ट प्लांट कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन प्रेफरेंस ऑफ द इंसेक्ट फॉर सेल्टर ओविपोजिशन एंड फीडिंग, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंट का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो होस्ट प्लांट रहते हैं जिस पर वो इंसेक्ट आ रहा है बट कुछ कर नहीं पा रहा है, मीन्स फीडिंग नहीं कर पा रहा है, ओविपोजिशन नहीं कर पा रहा है, ये होस्ट के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं इसलिए वो उसमें फीडिंग और ये सब मतलब जो भी ओविपोजिशन है ये सब करने में मतलब कैपेबल नहीं है। देन थर्ड है यहाँ पर कि इट डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल
या केमिकल फैक्टर्स विच अल्टर इंसेक्ट बिहेवियर रिजल्टिंग इन द पुअर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंसेक्ट। मतलब ये कुछ प्लांट जो है होस्ट प्लांट में कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, मीन्स हो सकता है कि उसकी कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ उसमें मतलब जो कांटे होंगे हो सकते हैं वैसे प्लांट्स होंगे, या फिर कोई ऐसी लेयर होगी, या मतलब कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर में मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो इंसेक्ट है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। अगर हो भी रहा है तो बहुत पुअर इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है इंसेक्ट का। और कुछ केमिकल कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे लिक्विड होंगे या कुछ केमिकल सिक्रीशन होगा उस प्लांट से, तो ये इस कारण हो सकते हैं। तो आपको एंटीजिनोसिस आई थिंक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीजोनोसिस के, जो आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। लाइक दैट ट्राइचोम्स रहता है कॉटन में, जैसे मैंने बताया कुछ मतलब ऐसे स्पाइनी चीज़ें रह सकती हैं प्लांट में जो मतलब सर्वाइवल करने नहीं दे इंसेक्ट को। तो ट्राइचोम्स इन अ कॉटन रेजिस्टेंट टू द वाइट फ्लाई एंड वैक्स ब्लूम ऑन द क्रूसीफेरी लीव्स दैट इज डिटर फीडिंग बाय जो डायमंड ब्लैक मॉथ रहता है DBM उसको। एंड देन प्लांट शेप एंड कलर ऑल्सो प्ले अ रोल इन नॉन प्रिफ्रेंस, मतलब कलर और जो रहता है शेप रहता है प्लांट का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन प्रिफ्रेंस के लिए। एंड ओपन पेनिकल ऑफ सॉर्गम सपोर्ट द लेस हेलिकोवर्पा, अगर ओपन पेनिकल रहेगा सॉर्गम का मीन्स ज्वार का तो वो क्या करेगा सपोर्ट करेगा कि हेलिकोवर्पा का अटैक बहुत कम होगा। तो ये हमने देखा जेनोसिस एंटीजेनोसिस। देन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नॉन प्रेफरेंस कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट के लिए। सबसे पहला बॉलवर्म, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कॉटन में, तो नॉन प्रेफरेंस है यहाँ पर। अगर स्मूथ लीव्स रहेंगे तो नॉन प्रेफरेंस रहेगा, बट प्रेफरेंस किस में आएगा, हेरी लीव्स रहेंगे, अगर हेरी हैं लीव्स तो वो प्रेफरेंस में आएंगे, ठीक है। नेक्टरलेस रहेगा तो क्या होगा कि नॉन प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन नेक्टेराइन अगर रहेगा तो प्रेफरेंस में आएगा। तो ऐसे ही लॉन्ग पेडिसिल रहेगा तो वो नॉन प्रेफरेंस में आएगा, शॉर्ट पेडिसिल रहेगा तो वो प्रेफरेंस में आएगा, थिक बॉल है अगर तो वो नॉन प्रेफरेंस आएगा क्योंकि थिक है वहाँ पर, थीन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेफरेंस में आएगा। तो ऐसे ही पूरे दिए हुए हैं बॉल वीविल के वाइट फ्लाई के लिए क्या क्या प्रेफरेंस है और क्या क्या नॉन प्रेफरेंस रहेगा होस्ट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक में। तो आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपको पता रहना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको खुद बता दूंगी। देन एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस का मतलब ये है कि जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी लाइक द सर्वाइवल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द इंसेक्ट एंड देयर प्रोजेनी ड्यू टू द बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट इन इट। मतलब एडवर्स कुछ इफेक्ट हैं होस्ट प्लांट के, किस पर पड़ रहे हैं, होस्ट प्लांट का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है बायोलॉजी मतलब सर्वाइवल नहीं कर पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और रिप्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है इंसेक्ट का। तो ये अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, और उनकी प्रोजनीज भी क्या कर रही है सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि बायोकेमिकल और कुछ बायोफिजिकल फैक्टर्स हैं जो होस्ट में प्रेजेंट हैं। तो इट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो बहुत टॉक्सिक है हमारे मतलब इंसेक्ट के लिए, एंड एब्सेंस ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस या इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो ये तीन कुछ ऐसे कारण मतलब कारण हैं जिसके कारण एंटी जो बायोसिस वर्क कर रहा है। देन केमिकल मीन्स में हम देखेंगे और फिजिकल्स मीन्स में हम देखेंगे। केमिकल मीन्स में हो सकता है कि कुछ केमिकल्स हो लाइक दैट डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोक्सिन अगेंस्ट द यूरोपियन कॉर्न बोरर। तो आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि गॉसिपल किसके अगेंस्ट काम करता है, ये याद रखिएगा अमेरिकन बॉलवर्म के अगेंस्ट गॉसिपल जो रहता है जो कि कॉटन में रहता है वो वर्क करता है, ये केमिकल है, ठीक है। एंड फिजिकल में हो सकता है कि क्या हो सकता है, ग्लैंडुलर हेयर्स हो सकते हैं, थिक क्यूटिकल हो सकता है, एंड सिनर्जिन्स अगेंस्ट द एफिड्स एंड क्यूकुरबिटेसिन अगेंस्ट द माइजस परसिकी, ठीक है, एफिड जो रहता है उसका माइजस परसिकी जो नेम है, तो जो कुकुरबिटेसिन जो कुकुरबिटेसी फैमिली के क्रॉप्स होते हैं उसमें से केमिकल सीक्रेट होता है, तो याद रखिएगा ये। देन एंटीबायोसिस में क्या होता है कि प्लांट डिफेंस इम्पार्टिंग द एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस। यहाँ पर आप देखिए प्लांट जो डिफेंस कर रहा है साथ में एंटीबायोसिस के साथ, तो उसमें है एलिलो केमिकल्स हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स हो सकते हैं, या मॉर्फोलॉजिकल जो मैंने बताया था फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं लाइक दैट थिक क्यूटिकल ऐसे टाइप का।
एंड टॉलरेंस में है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टॉलरेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ टॉलरेंस. तो टॉलरेंस हम आगे देखेंगे, अभी तक हमने एंटीवायरसेस देखा था. द इफेक्ट में भी डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, या तो ग्रोथ में डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, ग्रोथ रुक जाएगी या बहुत स्टेडी हो जाएगी, मतलब बहुत फास्ट हो जाएगी देन स्टेडी हो जाएगी एंड देन डेथ हो सकता है इंसेक्ट का. एंड सेकेंड है डेवलपमेंट, ठीक है, एंड थर्ड इज द रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ इज द सर्वाइवल, एंड फिफ्थ इज द जनरल वीगर. एंड इनडायरेक्ट में ऐसा आ रहा है कि जो वल्नरेबिलिटी टू बायोकेमिकल एजेंट्स एंड वल्नरेबिलिटी टू एनवायरमेंटल एब्रेशंस, मतलब ओवरऑल ऑल इफेक्ट इज रिडक्शन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन. जो इंक्रीज हुआ है उसमें रिडक्शन होगा पॉपुलेशन के. और द ऑफन मैकेनिज्म ऑफ एंटीजेनोसिस एंड एंटीबायोसिस एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप भी करती है कभी कभी. तो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो रहेगा तो उसका क्या होगा, वल्नरेबिलिटी रहेगी एंड वल्नरेबिलिटी टू एनवायरमेंटल एब्रेशंस रहेंगे. तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं. देन कुछ टॉक्सिन है जो प्लांट उसे प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स प्लांट ओरिजन होते हैं. तो वो है लैक्टिन, एंड देन लैक्टिन रहने के बाद है सेकेंड लैक्टिन फाइटोहेमाग्लुटिन एंड वीट जम एग्लुटिन, ये है. देन उसके बाद है एंजाइम्स एंड एंजाइम्स इनिबिटर में, जैसे कि प्रोटीएज इनिबिटर्स हैं, ट्रिप्टेसिन इनिबिटर्स हैं एंड अल्फा एमाइलेज इनिबिटर्स हैं, ये सब रहते हैं. तो आप इसका नाम याद रख लीजिएगा कि लैक्टिन है जो कि एक टॉक्सिक है. उसके बाद वीट जर्म्स में एग्लुटिन है, एंड देन प्रोटीएज इनिबिटर्स कुछ होते हैं, ट्रिप्सिन इनिबिटर्स होते हैं, अल्फा एमाइलेज इनिबिटर्स होते हैं जो कि लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी और पोएसी फैमिली से हमको मिल जा रहे हैं. और जो लैक्टिन है ये स्नोड्रॉप लैक्टिन होता है एंड गैलेंथस निवालिस सकिंग पेस्ट जो रहता है, पर्ल्स बिटल स्टोरेज पेस्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है. ठीक, तो ये जो केमिकल्स हैं किस क्रॉप मतलब वो इंसेक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं उसके भी नाम आपको याद रहने चाहिए. देन कुछ बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं लाइक दैट हाई गॉसिपल रहेगा तो वो क्या करेगा, बॉलवर्म टोबैको बडवर्म और रेड स्पाइडर माइट के लिए कन्फर रजिस्टेंट शो करेगा. ऐसे ही अगर हाई फिनॉल है तो वो बॉलवर्म के लिए करेगा, हाई टैनिन है अगर लीव्स में तो वो जेसिट के लिए करेगा, अगर बर्ड्स में ज़्यादा टैनिन है तो वो बॉलवर्म टॉलरेंस रखेगा, अगर शुगर लो है एंथर में तो बॉल विविल एंड बॉलवर्म का अटैक कम होगा. तो ये याद रखिएगा आप लोग. अब थर्ड है हमारा टॉलरेंस. तो इट मींस क्या है, एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एंड इवन रिपेयर इंजरी टू मार्क डिग्री इन स्पाइट ऑफ सपोर्टिंग अ पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डैमेजिंग ससेप्टेबल होस्ट. मतलब टॉलरेंस का मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसमें मतलब प्लांट के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि उसको अगर इंसेक्ट डैमेज भी कर रहा है उसके बावजूद भी वो नॉर्मल ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और अगर जो डैमेज हो रहा है उसको वो रिपेयर करने की भी कैपेबिलिटी रखेगा. ठीक है, एंड प्लांट इज अ डैमेज्ड बट देयर इज नो इकोनॉमिक यील्ड लॉस, जैसे मैंने आपको बताया. और लोअरिंग ऑफ द क्वालिटी भी रिड्यूस नहीं होगी और यील्ड का लॉस भी नहीं होगा. तो वो टॉलरेंस शो कर रहा है, रेजिस्टेंट नहीं है बट टॉलरेंस है. तो ये टॉलरेंस एक पार्ट है रेजिस्टेंट का या एक मैकेनिज्म है रेजिस्टेंट का. ठीक है, देन ऑफन टॉलरेंस इज कन्फ्यूज विद द लो लेवल ऑफ रेजिस्टेंट. हो सकता है कि इसे हम लो लेवल ऑफ रेजिस्टेंट बोल सकते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट है, और मॉडरेट रेजिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको. इन टोटली डिफरेंट फॉर्म अदर टू कॉजेज बाय नॉट कमिंग इन ऑन टू द वे ऑफ इंसेक्ट एक्टिविटी. जो मतलब इट इज जो ये है ये टोटली डिफरेंट फॉर्म है जो अदर हमने दो कॉजेज पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पर मतलब ये रेजिस्टेंट जैसा ही वर्क कर रहा है. ये तो मॉडरेट रेजिस्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि कोई यील्ड लॉस नहीं हो रहा है और नॉर्मली ग्रोथ हो रहा है, इंसेक्ट डैमेज भी कर रहा है बट फिर भी क्वालिटी वैसी की वैसी बनी हुई है. देयरफॉर इट मे बी रिगार्डेड एज ससेप्टेबल बेस्ड ऑन द इंसेक्ट नंबर और डैमेज. इट इज़ एन अडॉप्टिव मैकेनिज्म फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट अपॉन द इंसेक्ट. दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंट रिफर्स स्ट्रिक्टली टू रिजल्टेंट इफेक्ट एंड नॉट टू द मैकेनिज्म. ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसे डील नहीं किया. जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे डील कर रही हूँ. इंसेक्ट रेजिस्टेंट कल्टीवर्स हैं जो डेवलप हुए हैं डिफरेंट क्रॉप के इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो हमारे कॉटन में है अमेरिकन बॉलवर्म जो है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, उसके लिए जो कल्टीवर है जो है हमारे इंडिया में रेजिस्टेंट बना है वो है सुजाता, उसके बाद है अभादिता एंड सुजय. देन पिंक बॉलवर्म के लिए है LD135, सुजाता एंड अभादिता.
देन वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो आप लोग कॉटन का और राइस का ज़्यादा अच्छे से याद रखिए। गाल मिर्च का बहुत एग्जाम में पूछता है कि कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंट है, तो फाल्गुना जो है वो रेजिस्टेंट वैरायटी है। येलो स्टोन बोरर के लिए रत्ना रेजिस्टेंट वैरायटी है। और ऐसे शुगर केन में आप देख लीजिए कि टॉप बोरर, इंटर नोट बोरर और वाइट ग्रब्स के लिए कौन कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो आपको राइस और कॉटन का ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ग्राउंड नट में भी है, जैसे कि IC GV 86031 है ऐसा। सोयाबीन में निम्सोय, तो ये याद रखिएगा सोयाबीन का निम्सोय। एंड चिकपी में जो है पॉड बोरर के लिए अनुपानी है। एंड पॉड बोरर के लिए पिजन पी में बोरी है, तो ये बहुत इजी नाम है, आपको याद हो जाएगा। एंड ब्रिंजल का याद रखिएगा, शूट एंड फ्रूट बोरर क्या है, पूसा पर्पल लॉन्ग। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूसा पर्पल लॉन्ग किससे रजिस्टेंट है। एंड पोटैटो में QBI 182129, ये पोटैटो ट्यूबर माथ के लिए है, ठीक है। एंड फ्रूट बोरर टोमेटो में याद रखिएगा पंत बाहर और पर्पल जो लॉन्ग है, पूसा पर्पल लॉन्ग और निम्सोए, और जो पीछे मैंने आपको इससे पहले बताया वो आप अच्छे से याद रखिएगा। देन एडवांटेजेस क्या है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट के। फर्स्ट एडवांटेजेस यहाँ पे है कि कुमुलेटिव एंड परसिस्टेंट आता है यहाँ पर, एंड नो एडिशनल कॉस्ट टू ग्रोवर, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंट है तो हमको सीड रेजिस्टेंट सीड या फिर कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। एंड नो हार्मफुल रेसिड्यूज, कोई रेसिड्यूज नहीं आ रहा क्योंकि हमने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया ही नहीं, तो हार्मफुल रेसिड्यूज तो आने हैं ही नहीं। एंड नो डैमेज टू द बेनिफिशियल फौना, मीन्स जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, बेनिफिशियल बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं, उनको कोई डैमेज नहीं हो रहा है। एंड इंटीग्रेट द इफेक्टिवली विथ अदर कंट्रोल मेथड्स के साथ, मतलब हम इसको अदर कंट्रोल मेथड के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड कंजर्व द बायो कंट्रोल एजेंट, क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं हम उनको। एंड मोस्ट यूजफुल इन लो इकोनॉमिक क्रॉप, जो लो इकोनॉमिक क्रॉप है उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा अपना इनपुट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म इसमें अवेलेबल है तो हमको अदर जो इनपुट लगाने की नीड नहीं है। देन सेकेंडरी प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट, डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं यहाँ पर हम। सेवरल ईयर टू डेवलप फॉर वन पेस्ट, लॉन्गर फॉर मल्टीपल रेजिस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंट डेवलप होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। एंड डिफरेंट वेराइटीज नीडेड फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, हाँ रेजिस्टेंट के लिए उनको डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज रिक्वायरमेंट होंगे। नीड फॉर द गुड एग्रोनॉमिक क्वालिटी अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंट, मतलब सही तरीके से सॉइल और सॉइल बेड का प्रिपरेशन और जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो अच्छे से करनी पड़ेंगी रेजिस्टेंट के साथ ही साथ। एंड रेजिस्टेंट मोस्ट ऑफन फाउंड इन स्पीसीज ऑफ टाइप्स ऑफ पुअर एग्रोनॉमिक क्वालिटी, रिक्वायर मच टाइम टू डेवलप टू एन एक्सेप्टेंस वेराइटी, मतलब यहाँ पर है कि जो रेजिस्टेंट रहता है जो ऑफ टाइप्स हैं या पुअर एग्रोनॉमिक क्वालिटी जो वाली वेराइटीज़ है जिसको हमने अच्छे से एग्रोनॉमिक क्वालिटीज़ नहीं दी है, तो उसमें रेजिस्टेंट डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड देन बायोटाइप्स, इंसेक्ट अडॉप्ट और चेंज सो एज टू फीड ऑन फॉर्मली रेजिस्टेंट प्लांट्स, इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंट कैरेक्टर विद अदर कैरेक्टर्स के साथ, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वेराइटी बाय द बेटर एल्डर्स। देन कंपेटिबिलिटी ऑफ जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट है IPM में कैसा इसका कॉम्पेटिबिलिटी है ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है कि कॉम्पेटिबिलिटी विद द केमिकल कंट्रोल, जो HPR रहता है ये इनफिशियंसी जो रहती है ना इंसेक्टिसाइड उसको बढ़ाता है। एंड हायर मॉर्टिलिटी ऑफ द लीफ हॉपर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लीफ हॉपर्स हमको डेथ मिलते हैं। एंड प्लांट हॉपर जो रहते हैं इन रेजिस्टेंट वेराइटी कंपेयर टू द ससेप्टेबल वेराइटी, मतलब रेजिस्टेंट वेराइटी जो रहती है उनमें लीफ हॉपर एंड प्लांट हॉपर की मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है अस कम्पेयर टू द ससेप्टेबल वेराइटीज रहती है उनके। एंड देन लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड सफिशियंट होता है, ज़्यादा हमको यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, तो IPM में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल आ ही रहा है। सेकेंड हमारा है कॉम्पेटिबिलिटी विद बायोलॉजिकल कंट्रोल, सबसे पहले ये है कि जो रेजिस्टेंट वेराइटी है दैट रिड्यूस द पेस्ट नंबर, दस शिफ्टिंग द पेस्ट एंड जो प्रिडेटरी रेशियो है, मतलब जो ऐसे इंसेक्ट जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ हो रहे हैं उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि जो IR36 है वो रेजिस्टेंट वेराइटी है BPS से, तो उसमें जो मिरीड बग है उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि वो एज अ प्रिडेटरी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दे रहा है एज़ कम्पेयर टू जो IR8 वेराइटी है जो ससेप्टेबल है BPH के लिए, जो ब्राउन प्लांट हॉपर है उसके लिए, तो उसमें इतना अच्छा उसका एक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि वो ससेप्टेबल वेराइटी है।
एंड देन थर्ड है कॉम्पेटिबिलिटी विद द कल्चरल मेथड्स के साथ. कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी. अगर हमारी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी रहेंगी तो वो हेल्प करेंगी कि हम बेटर यूटिलाइजेशन कर लें रेजिस्टेंट का, जैसे कि यूज ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन पेस्ट. एंड सेकेंड है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉटन बॉल वीविल, जो कि यूज हो रहा है USA में. एंड एडवांटेजेस हैं यहाँ पर HPR के एज अ कंपोनेंट इन IPM में. स्पेसिफिसिटी मीन्स स्पेसिफिक टू द टारगेट पेस्ट एंड नेचुरल एनिमीज जो रहते हैं अनअफेक्टेड, ये मैंने पहले ही बोला है आपको. एंड देन कुमुलेटिव इफेक्ट में ये है कि लास्ट फॉर मैनी सक्सेसिव जनरेशंस. एंड देन इको फ्रेंडली है, इजीली अडॉप्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट नहीं लग रहा है. एंड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है. एंड कॉम्पेटिबिलिटी रहती है अदर कंपोनेंट जो है IPM की, इससे पहले जो हमने बताया आपको. एंड देन परसिस्टेंट है इसका. सम वेराइटी हैव ड्यूरेबल रेजिस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब जो परसिस्टेंट मतलब बहुत टाइम तक ये रहता है. एंड देन यूनिक सिचुएशन है जो HPR इफेक्टिव वेयर द अदर कंट्रोल मेजर्स आर लेस इफेक्टिव. जहाँ पर अदर मेजर्स इफेक्टिव नहीं होंगे वहाँ पर HPR जो रहता है वो इफेक्टिव रहता है. वेन टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन इज क्रिटिकल, वेन क्रॉप ऑफ लो इकोनॉमिक वैल्यू का रहेगा एंड पेस्ट इज कंटिन्यूसली प्रेजेंट एंड इन अ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के लिए. तो ऐसे जब कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे तो यूनिक सिचुएशंस में HPR जो रहेगा बहुत इफेक्टिव रहेगा. तो ये जो रहेगा HPR के जो बचे जो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने प्रीवियसली वीडियो में कवर नहीं किए थे वो मैंने आज कवर कर दिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी. सो